नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों की मैं जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिस्ट में आप लोग अपना नाम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 2021-22 का लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो उसमें काफ़ी सारे लाभार्थियों ने कॉमेंट किया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इंदिरा आवास योजना के लिस्ट में नाम कैसे एड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोगों की अभी तक इंदिरा आवास योजना के लिस्ट में नाम नहीं है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिस्ट में नाम नहीं है, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप लोग आसानी से अपने घर बैठे जो अपने मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिस्ट में आप लोग नाम एड कर सकते हैं, इंदिरा आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में आप लोग की मैं स्टेप बाई स्टेप जो है आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे मोबाइल फोन से ही करके मैं आप लोग की दिखाने वाला हूँ। ऑनलाइन आवेदन से लेकर पैसा मिलने तक की फुल जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो ऑनलाइन आवेदन से लेकर पैसा मिलने तक की जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप लोगों की क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है सरकारी सेंटर, जो आप लोगों को लिखकर सर्च कर देना है। अब जैसे लिखकर सर्च करेंगे यहाँ पर सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रोल डाउन करना है और सरकारी योजना सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी ऑनलाइन से लेकर पैसा मिलने तक की सभी जानकारी एक ही पोस्ट में जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कैसे क्या करना है, शहरी के लिए कैसे आवेदन करना है, ग्रामीण के लिए कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है, इस आर्टिकल को जो आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद जो है आप लोग को आवेदन करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा जानकारी जो यहाँ पर दी गई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास शहरी ऑनलाइन अप्लाई हेतु जरूरी कागजात, सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद घर के सभी मेम्बरों का आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, बैंक पासबुक, पैसे इसी बैंक अकाउंट में आएगा, आप लोग को वही बैंक अकाउंट चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, आधार, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, ईटीसी, आप लोग यानी कि जो है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कोई सा एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद कैसे आवेदन करना है, सारा जानकारी जो यहाँ पर दी गई है, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सो यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक जो आप लोग को दिख रहा है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सारा का सारा लिंक एक्टिव है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए चेक आधार वर्चुअल आईडी, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले मैं बताया हूँ कि आधार नंबर होना जरूरी है, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर वर्चुअल आईडी से जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालना है, उसी का आधार नंबर डालना है, यानी कि जिसके नाम से आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपका फैमिली में जो भी मुखिया होंगे उसी के नाम से आप लोग ही आवेदन करना है, यानी कि इसमें आधार नंबर डाल देना है, आधार कार्ड पर जो भी नाम होगा यहाँ पर सेम जो है इसमें डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलअप करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं आप लोग को बताया हूँ कि अगर आधार नंबर नहीं है तो आप लोग वर्चुअल आईडी से कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी जो है अवेलेबल है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आधार नंबर अवेलेबल है तो इस पर टिक करेंगे। तो चलिए हमारे पास आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पर जो है इस पर टिक कर दिया हूँ, आधार नंबर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, इस पर जो आप लोग को टिक करना है, जैसे आप लोग इस पर टिक करेंगे और आपको क्या करना है, चेक पर क्लिक करना है। चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको फॉर्म, अगर आप लोग अवेलेबल होंगे आवेदन करने के लिए तो यहाँ पर फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टेट जो है आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग का स्टेट होगा यहाँ पर अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का स्टेट होगा। तो चलिए मैं अपना स्टेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जिला का नाम जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग का जिला का नाम होगा यहाँ पर अपना जिला का नाम जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं 21 जो है यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इस
प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सिटी का नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग का शहर का नाम होगा यहाँ पर नाम जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि वही हो गया, आप लोग को जो भी ब्लॉक प्रखंड होंगे यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा, यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से है, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं देख सकती हूँ योजना क्षेत्र विकास क्षेत्र है, अगर है तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर आपका नाम जो है देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपको रहने देना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर जेंडर होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर जो है फादर्स का नाम जो यहाँ पर डाल देना, यानी कि पिता यानी हस्बैंड, यहाँ पर जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसका पिता या हस्बैंड का नाम जो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। अगर उसके बाद जो यहाँ पर परिवार के मुखिया की आई जो यहाँ पर डाल देना, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं देख सकते हैं जो भी आप लोग एड्रेस सेलेक्ट किए हैं, क्या वे अस्थाई पता है, परमानेंट एड्रेस एवं सेम प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इस पर जो आप लोग को टिक कर देना है। जैसे उसके बाद जो आपको क्या करना है, जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे के बाद जो यहाँ पर अपना मकान फ्लैट द्वारा संख्या जो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है उसको कन्फर्म करना है, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। उसके बाद गली मोहल्ले का यहाँ पर फिर से नाम डाल देना है, यानी कि उसके बाद यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर नाम जो यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है अपना विलेज का नाम डाल सकते हैं, अपना गांव का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जो है फिर से जो यहाँ पर अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार और जो है स्टेट जो आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से यहाँ पर जिला को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो भी आप लोग का एरिया का पिन कोड होगा, यहाँ पर अपना पिन कोड जो है आप लोग डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो आप लोग को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है डाल दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को वैवाहिक स्थिति जो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैरिड एवं अनमैरिड, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर मैरिड पर टिक करना है, अगर नहीं है तो अनमैरिड पर टिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अनमैरिड को टिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है ना, जो कोई सा जो यहाँ पर आप लोग को दस्तावेज देना होगा, तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, सारा का सारा जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग जो यहाँ पर कोई सा एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको जो है वोटर आईडी कार्ड संख्या जो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों की विवरण जो यहाँ पर आप लोग को डालना है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो अपना फैमिली में जितने जो है मेंबर होंगे उसका नाम जो यहाँ पर ऐड करना है, उसका बायोडाटा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद जो है संबंध क्या है, आपसे संबंध क्या है यहाँ पर आप लोग को डाल देना है, जैसे मैं वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, फादर्स, मदर्स, ब्रदर, सिस्टर, यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई सा एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर एज डालिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आधार नंबर इस मेंबर का डालिएगा जिसका यहाँ पर नाम ऐड किए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यानी कि कोई एक जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पर दस्तावेज में जो यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड जो भी होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर पहचान संख्या डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग को ऐड पर क्लिक करके और मेंबर का नाम जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड और यहाँ पर नीचे इस प्रकार से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर अपना रिलीजन यानी कि धर्म जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम देख सकते हैं, सिख, जैन, सारा का सारा दिया गया है। जो भी आप लोग होंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा जाति, आप कौन सा कास्ट है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी होगा यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी है, क्या आप अगर आप विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर रहने दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्या परिवार के पास जो है भारत में कहीं भी अपना मकान है, यानी कि इंडिया के अंतर्गत कहीं भी आपको मकान है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद मौजूदा मकान का मालिकाना का ब्यौरा जो यहाँ पर आप लोग को डालना है। अभी जो जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ पर आप लोग को, आप क्या है, यहाँ पर आप मकान का ओनर है या रूम रेंट पर रहते हैं या सुवाइज है, तो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। अगर आप रूम रेंट पर रहते हैं तो रेंट डालना है, अगर आपका मकान है, अगर आप उसका ओनर है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, अगर आप अदर्स वाइज है तो यहाँ पर नीचे वाले को जो आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अदर्स वाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उपजीविका जो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है, जो भी होगा यहाँ पर आप लोग उपजीविका जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग कौन सा काम करते हैं,
किसान है तो यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पर परिवार की औसत मासिक आय यानी कि कुल फैमिली का इनकम आय कितना यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। जैसे आप लोग डालेंगे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना है। अब जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको एक कैप्चा दिख रहा है, एक कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिलअप करना है और सेव सुरक्षित पर क्लिक करना है। आपका जो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक आपको जो है असेसमेंट आईडी जो आप लोग को मिल जाएगा। आपको वेतन सबमिट होने के बाद जो है आप लोग की नगर पंचायत की ओर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, जहाँ पर आप लोग का जमीन होगा आपसे कंटेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का जो है इसका लाभ जो है 3 किस्तों में यहाँ पर मिल जाएगा वेरिफिकेशन होने के बाद। क्या करना है, फिर से आप लोग को बैक आना है और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस शहरी, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय नेम फादर्स नेम मोबाइल नंबर से आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप चाहें तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास असेसमेंट आईडी है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को आईडी डालना है और इस बॉक्स में मोबाइल नंबर डालना है। सबमिट पर क्लिक करके अपना स्टेटस जान सकते हैं। सिर्फ शहरी के लिए है और ग्रामीण के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। आपको क्या करना है, ग्रामीण के लिए आप लोग को कैसे आवेदन करना है, यहाँ पर आप लोग को जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान या वार्ड या सदस्य आवास सहायक से मिलकर जो है आवेदन करना होता है। तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान वार्ड सदस्य या आवास सहायक से मिलकर आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी से आप लोग मिलकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सारा जानकारी दी गई है, कितने कितने पैसे कितने टाइम में आप लोग को दिए जाएंगे। ये जो है शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन को स्टार्ट कर दिया गया है, ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाता है। आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर ग्रामीण से है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को ग्रामीण ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है। ग्रामीण के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं और शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन दोनों तरीका से आवेदन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग आवास योजना के लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं, आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।